तो दोस्तों सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन मैं कंपनी के बोनस के ऊपर थोड़ा बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग के दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये कि किसको बोनस शेयर मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन कि ये बोनस के शेयर है आपके अकाउंट में कब आएंगे। तो दोनों क्वेश्चन के मैं आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो किसको बोनस शेयर मिलेगा, तो बोनस शेयर उसी को मिलेगा जो जिन्होंने 1 फरवरी से पहले कंपनी के जो शेयर है उसको बाय किया है, क्योंकि 1 फरवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट था। रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आपने शेयर को बाय किया हुआ है तो आपको बोनस शेयर मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कि बोनस शेयर हमारे अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे, क्योंकि 4:1 का बोनस था, यानी कि हर एक शेयर पे कंपनी आपको 4 शेयर देने वाली थी। टोटल देखे तो आपके अकाउंट में 5 शेयर होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी आपके अकाउंट में एक ही शेयर शो कर रहे होंगे, 4 शेयर अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया। तो एक शेयर क्रेडिट कब होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आज से कुछ समय पहले कंपनी की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें कंपनी ने क्लियरली यहां पर मेंशन कर दिया था कि जब से कंपनी बोनस के बारे में बात कर रही है उसके 2 महीने के अंदर आपके अकाउंट में बोनस वाले शेयर हैं आपको क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेंगे। जब से कंपनी बात कर रही है बोनस के बारे में, कंपनी कब से बात कर रही है, तो कंपनी बात कर रही है 16 दिसंबर से ही। जी हाँ, 16 दिसंबर को ही पहली बार कंपनी ने बोला था कि वो जो बोनस शेयर है उसके बारे में एक बोर्ड मीटिंग रखने वाली है। तो 16 दिसंबर से 2 महीने के अंदर, यानी कि 16 फरवरी से पहले आपके अकाउंट में बोनस वाले शेयर आएंगे। यूजली देखा जाता है कि रिकॉर्ड डेट के 6 से 7 दिन बाद बोनस के शेयर जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो यूजली आप देखिए, अब 2 तारीख कंपनी का रिकॉर्ड डेट था, सॉरी 1 तारीख कंपनी का रिकॉर्ड डेट था, तो 1 तारीख से 6 से 7 दिन और ऐड कर लीजिए, यानी कि 1-2 दिन और वीकेंड होगा इसमें। तो आप समझ लीजिए कि अगले वीक में मंडे के आसपास से आपके अकाउंट में बोनस के जो शेयर हैं वो आपको क्रेडिट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इस वीक में नहीं, अगले वीक से कंपनी के जो बोनस शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए बस आप नंबर देख लेते हैं, नंबर कैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 275 करोड़ के आसपास, पिछले साल 240 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 303 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 24% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 263 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 226 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 281 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एंड एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 10.5 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 16.5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर 60% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बेहतरीन 90% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको एक बड़े लार्ज अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 29 पैसे के आसपास, पिछले साल 36 पैसे, अभी देखें तो बढ़ गए 53 पैसे के आसपास आपको देखने मिले। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का नंबर बहुत शानदार आपको देखने मिले। कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट दोनों देखें तो एक अच्छे खासे अमाउंट पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।